रोजाना लोकना टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवां सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे भगवंत सिंह मान दे गुस्से की। भगवंत सिंह मान अपने ही मंत्री दे उपर गुस्से ने ते गुस्सा भी इस कदर कि गुस्सा सत्तवें आसमान ते कह सकते हैं। कल जदों मंत्री उन्होंने मिलने लई पहुंचे तो भगवंत सिंह मान दे वल्लों उन्हां नूं मिलण तक का टाइम नहीं दिता गया। आखिर किस मंत्री दे नाल उन्हां दा गुस्सा है ते किन्ना कारना करके ये गुस्सा है ते की कार्रवाई होने जा रही है हुण उस मंत्री दे उपर सरकार दे वल्लों, इस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। चर्चा करांगे सुखपाल सिंह खैरे दे एक चैलेंज की। सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े कि अक्सर तथ्यां दे आधार दे उपर आके पार्टियां नूं जां फिर सरकार नूं घेरदे हुए नज़र आउंदे ने। एक बार फिर तो उन्होंने तथ्यां दे आधार दे उपर भगवंत सिंह मान अते कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि मंत्री साहबान ने कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने चैलेंज किया है कि मान सरकार एक चैलेंज नूं कबूल करेगी करेगी जा नहीं करेगी, इस बारे भी चर्चा करांगे। नाल ही नाल चर्चा करांगे आम आदमी पार्टी की सरकार वालों की हुई एक बड़ी नियुक्ति दी जिहड़ी कि हुण विवादां दे विच है, मसला कोर्ट तक पहुँचे तो कोर्ट के वलों भी नवे आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नियुक्ति संबंधी की पूरा मामला है, नियुक्ति रद्द की जाएगी जां फिर मान सरकार अपने स्टैंड के उपर कायम रहेगी, एक किस तरह के हालात बनेंगे इस बारे भी विस्तार के नाल चर्चा होएगी। चर्चा करने के लिए मैं नाल जुड़े हैं साढ़े सीनियर पत्रकार एस परशोत्तम जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं परशोत्तम जी, स्वागत है प्रोग्राम के। धन्यवाद जी सारे स्रोतिया सारे दर्शकों का, देश विदेश बैठे पंजाबियों का तह दिलों शुक्रिया अदा करता जी। सो परशोत्तम जी, भगवंत सिंह मान कुछ दिनों तो गुस्से चल रहे ने अपने ही मंत्री दे नाल। गल करांगे सेहत मंत्री वीसी दे नाल विवाद होया सी, जिस तो बाद वीसी साहब का अस्तीफा आया, भावें कि वह अज तक मंजूर नहीं किया गया, लेकिन उस मामले दे विच हुण भगवंत सिंह मान बहुत ज़्यादा नाराज़ जौड़ा माजरा जी नाल दिखाई दे रहे हैं, सेहत मंत्री दे नाल नाराजगी इस कदर कि कल जो जौड़ा माजरा जी उन्होंने मिलने लई उन्होंने निवास स्थान पहुँचे तो उन्होंने वालों मिलने तो इनकार कर दिता गया, भाव कि मिलने लई समय नहीं दिता गया। किवें देख रहे हो जिस तरह की नाराजगी है कि सेहत मंत्री के खिलाफ कोई वड्डी कार्रवाई होंदी नज़र आ रही है? लखविंदर सिंह मान जी जी, ये जो सवाल है तुहाडा, ये अज दे जिहड़ी नवी एक राजनीति दे विच पसारा हो रहा, उहदे विच बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता, जिवें उतरा चढ़ाव पंजाब दी सियासत वेखण नूं मिल रहा। जिथों तक भगवंत सिंह मान जिहड़े मुख्यमंत्री पंजाब ने उहनां वल्लों अपने ही वजीर केतन सिंह जोड़ा माजरा नूं मिलण तों इनकार करना, मैं समझदा इक उहनां दा इक चंगी दिशा दा कदम आ, क्योंकि जिन पिछले दिनों दे विच जिन्नी किरकिरी उहनां दे मंत्रियों वल्लों करवाई जा रही आ, इसलिए वह काफ़ी गुस्से उन्हों का होना सुभाविक आ, क्योंकि केतन सिंह जोड़ा माजरा उन्हां वल्लों जिहड़े कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट के जिहड़े वाइस चांसलर ने, जिहड़े कि गवर्नर तो बाद इन्हां दी नियुक्ति जिहड़ी गवर्नर करदा, ये उप कुलपति कहा जाता, कुलपति गवर्नर होंदा जी, इस करके बड़े रुतबा उन्हां दा स्टेट्स होंदा वाइस चेयरमैन दा, उन्हां दे नाल जिस तरह दा ये पेश आए आ ते जो तो बाद भगवंत मान दी सरकार दी किरकिरी हुई आ, इस तो पहलों होर भी होईयां ने, क्योंकि जिहड़े संगरूर दे विच जो कुछ इन्हां नूं संताप भुगतना पिया जिहड़ियां गरंटियां दा लागू ना होण करके, जां भगवंत मान नाल जिवें व्यवहार कीता गया केंद्रीय हाईकमांड कर रही आ, हुण भी जिहड़ी अंदरली गल आ जी, ये भगवंत सिंह मान चाहते आ कि जिहड़ा साडा मंत्री आ, क्योंकि नियुक्ति ते उन्होंने की आप की आ, इस करके ये जिहड़ी है नियुक्ति की आ ये बहाल रहे, ते जिहड़े अपने ये मंत्री साहब ने
चुप चपीते पहले तो इन्हों का बंदा सीगा जी जी क्योंकि पहले दिन भी जिवें भगवंत मान जी ने इन्हों के उत्ते कोई अपने रोस का प्रगटावा किया गलबात दौरान तो इन्हों वालों एक जनतक नहीं तो घट्टो घट जाति तौर पर मिल के एक सुरह सफाई वाला राह कढ़ना चाहिए सीगा जिद नाल ये जरा किरकिरी हूं तो जिवें विरोधी तरह दियाँ इस वे आलोचना का शिकार हो मेरा दसन के भगवंत मान वो चाहता कि यह मसला बैठ के हल हो जाए तो जो वाइस चांसलर ने डॉक्टर राज बहादुर उन्होंने उत्ते उन्होंने जोड़े अले जख्म आना फोन करके उन्होंने को माफी मांग के जिमें ए टू एयर दसा जाना करना फोन करके मंगी गई है वो चाहते हैं कि मसला हल हो जाए कि पी सी साहब अपना इस्तीफा भी वापस लै जी तो अज अज जिमें उन्होंने मिलन का भी एक समा रख्या होया। इस तो पहले मैं समय की गल करा चेतन सिंह जोड़ा माजरा मनु लगता जो अंदरली गल है जो बोलती आ जड़ी नियुक्ति है ना भगवंत मान को जी बतौर वजीर और जी उन्होंने हाईकमांड है जी दिल्ली लीडरशिप जिन्होंने कहा जाता दिल्ली टीम कहा जाता केजरीवाल साहब की जी टीम है उन्होंने वालों नियुक्ति करवाए जाने करके थोड़ा एवं लगता है जो भगवंत मान के उत्ते भारू बनना चाहते हैं अपना प्रभाव जो रखना चाहते हैं कि तुम्हें तो मैं नियुक्त नहीं किया मैं दिल्ली टीम ने किया वह प्रगटावा कितों होंगे मान साहब जी जदों इन्हों की नियुक्ति तो बाद जो इन्हों हड़प लिया इन्हों सैक्रटेट के कमरा दिता गया इन्हों पड़े व्यों के क्या ये समान चुक लो ये मेरा कमरा नहीं गा मैं कोई कमरा होर दो वा क्योंकि मेरी आमद लोगों की ज्यादा होनी चलो वो भी भगवंत मान अलाट तो उन्हें करनी उन्हें सिफारिश होने उन्होंने होर देता कमरा तो जी हूँ भी जी जो कुछ भी ये रचना रची गई आ जी ये पिछे भी दसा जाता कुछ जड़े एरिए सत्ताधारी पार्टी के आगू तो जड़े पिछले लंबे समय तो सेवावान दे रहे हैं उसे जरा भावें मैडिकल स्टाफ हो पैरामैडिकल हो डॉक्टर प्रोफेसर साहबान हो क्योंकि ज डॉक्टर राज बहादुर जड़े आ बड़े समय के पाबंद ईमानदार ये दसे गए हैं वो उन्होंने ट्रैप से नहीं चढ़े जो कुछ पहलों हों रहा जी ये तो भी उन्होंने वो रचना का एक रची तो जिदे इन्हों उस फ्यू के फसाया गया जी तो डॉक्टर इनू अपने जो डॉक्टर राज बहादुर जी राज बहादुर जी इन्हों एक किस्म की जलील कराने की नीयत न तबादला कर दिया जाए विभाग का होर विभाग के भेज दे जाए चेतन सिंह चौड़ा माजरा कितनी सच्चाई लग रही तुहानू क्योंकि की एक सचमुच गलती सी जे गलती सी तां चौड़ा माजरा जी माफ़ी क्यों नहीं मंग रहे क्योंकि आई एम ए भी नहीं बार बार कह रही है भी सेहत मंत्री माफ़ी मंगन जेकर गलती नहीं सी तां फिर भगवंत सिंह मान नूं माफ़ी क्यों मंगनी पई सी दुचित्ती तां इत्थे भी है ना भी कुछ इन्हां दे मंत्री कह रहे भी कोई मंत्र लोग भी कह रहे हैं जां खास तौर ते वर्कर भी मंत्री साहब जो कोई गलती होनी सी जे गलती नहीं सी तां फिर भगवंत सिंह मान नूं माफ़ी क्यों मंगनी पई जेकर गलती हुई है तो फिर सज़ा की होनी चाहिए कि इन्हों बर्खास्त करना चाहिए अहदे तो या फिर जो सूत्रों के हवाले तो खबर मिल रही है भी इन का विभाग बदलिया जा सकता कोई इस तरह की सज़ा तो लगता भी मिलती हुई नज़र आ रही है चेतन सिंह चौड़ा माजरा देखो ये केंद्रीय हाईकमांड के भेजे हुए दूत ने उन्होंने सलाह नाल हालांकि जो चर्चावान ने जी के केंद्रीय हाईकमांड भी वो भी बड़ी परेशान है कि जो कुछ मुद्दे से किरकिरी हुई सरकार की जी उन्होंने जिमें पार्टी ने गुजरात के इलेक्शन लड़नी आ केजरीवाल साहब अज भी जा रहे
मतलब होर भी जी स्टेटा दोणा लड़निया ने उत जवाबदेह होना इन्होंने इस करके उन्होंने किरकिरी हो रही आ जितों तक इन्होंने विभाग ज इस्तीफे की गल तुम जिक्र किया देखो जी आई एम ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन्होंने जो केंद्रीय अहदेदार ने वो पंजाब की जी उन्होंने बॉडी आ उन्होंने बकायदा एक स्पष्ट कर दिया भगवंत सिंह मान जी सरकार के इस्तीफा भी उनको लिया जाए कि जी इन्होंने दुर्व्यवहार किया पब्लिकली जनतक तौर पर माफी भी मंगन जी मैं जिक्र कर रहा सीगा इन्हां दी कुछ व्यों दी जां होमे दी जां चोबड़ी हंकार दी एक होर प्रोग्राम मान साहब सुनो जी 80 लाख दी लागत नाल बठिंडा दे विच उत्थों दे दानिया ने नौजवानां ने ग्राम पंचायत ने अपनी एक राशि इकट्ठी करके हॉस्पिटल बनाया इन्हां को टाइम लिया उद्घाटन लई एंड टाइम ते वो भी मुलतवी कर दिता गया जी उहदे नाल भी एक लोकां दे विच प्रभाव गया कि यह होमे तो पीड़ित ने जी जी इस करके लोग चाहते आ चलो मीडिया का सोशल मीडिया का किस्सा जी वो एक चल रहा प्रचार चल रहा कि भी इन्हां दी कंपेन ठीक है जी कंपेन जिथों तक ठीक है हस्पतालों के एक होनी चाहिए मर्यादा होनी चाहिए मरीजों का हेल्प मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल ठीक है जी जिहड़े को अधिकारी जिहड़े कर्मचारी वो दोषी आ उन्होंने विरुद्ध बकायदा अनुशासनी कार्रवाई होनी चाहिए जी जेकर उन्हें बरतरफ करने की लोड़ पवे धारा 311 ला के उन्होंने बरतरफ भी किया जा सकता इस तो बड़ी सजा नहीं हैगी बिल्कुल जितों तक इन्हों की होना भगवंत सिंह मान दे एक गले की हड्डी बन गए ने जी उन्होंने जिवें उन्होंने डॉक्टर राज बहादुर को वाइस चांसलर को माफ़ी भी मंग ली आज टाइम भी लिया डॉक्टर राज बहादुर राणा अच क्यों नहीं टाइम दिता जी जिदे विचों सवाल उत्पन्न होंदा कि चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं जां ते फिर जनतक माफ़ी मंगनी पैगी उन्हां दी मंत्री पद तों भावें छुट्टी ना होवे पर जो सीएम साहब दे दफ्तर दे सूत्र बोलदे ने विचों जी उन्हें पुष्टि करनी बड़ा मुश्किल आ जी कि बरतरफी तो नहीं होएगी पर कुछ चर्चावां ने कि इन्हां दा विभाग बदले जा सकदा बिल्कुल जी बिल्कुल अज जिवें इन्हां दी मीटिंग होनी सीगी जी भगवंत सिंह मान होरां दी उहदे विच ठीक है शरीर का दुख सुख है उन्हां दी 72 साल की उम्र आ जिहड़े उम्र के दौर तों लंघ रहे आ वह बीमार हो सकते आ प्रैक्टिकल भी हो सकते आ पर चर्चावां ने आई एम ए जिहड़ी उन्होंने आण के पिट ते खड़ो गई आ जी जिन्हां ने कहता जिन्ना सिंह ये जोड़े माजरा अपने अहुदे तों बरतरफ नहीं हुंदे जी जां माफ़ी नहीं मंगते उन्हां चिर कोई समझौता नहीं गा ते बकायदा हड़ताल ते जावांगे जिदे वास्ते पंजाब तैयार नहीं हैगा बिल्कुल जी बिल्कुल भगवंत मान जी सरकार महला क्लीनिक खोलन जा रही है 15 तरीक नूं जी महला क्लीनिक किथे चलणगे बिल्कुल जी बिल्कुल जिहड़ी कि कोरोना का प्रभाव वध रहा पंजाब दे विच जी तीन मंत्री उहदी लपेट च आ गए आ जी डीसी पटियाले दे आ गए ने होर आ रहे आ पर लगातार जिहड़े अंकड़े वध रहे आ जेकर उह चल गए आ मौसमी जिहड़ियां ने हैजा डायरिया ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆ ਪਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ आम आदमी पार्टी की सरकार दे भी लेने क्योंकि तकरीबन 4.5 महीनों के ही जेकर दो सेहत मंत्री बदले जाते हैं तो एक बड़ी मुश्किल बड़ी चुनौती है जिहड़ी उस सरकार दे लई जिहड़ी सरकार सेहत के बड़े बड़े दावे करती नज़र आ रही है तो दूसरे पासे चिंतावां बधाउंदे हुए नज़र आ रहे हैं गे कांग्रेस के सीनियर लीडर
तो गल करांगे सुखपाल सिंह खहरा की। उन्होंने वालों भी एक बड़ा चैलेंज भगवंत सिंह मान अते पेंडू विकास मंत्री पेंडू पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल जी ने दिता गया। वह कह रहे हैं भी तुम पंचीतां पंचायतां सरकारी जमीन चढ़ाते फिरते हो, कुछ जमीन जी है उन्होंने ही एम पी लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी के जो ओनर ने उन्होंने कोल भी उन्होंने हड़प्पी भी है कि उसनू छड़वाउणगे कि भगवंत सिंह मान खुद जाके गल कर रहे हैं फगवाड़े के इलाके की कि उत्थे जिहड़ी जमीन उन्होंने वालों उन्होंने ही एम पी वालों दबी भी है उत्थे भी जाके खुद कार्रवाई करनगे। किवें देख रहे हो ये चैलेंज नू कि जो चैलेंज हुण दिता गया कांग्रेस वालों जां सीनियर लीडर दे वालों खहरा साहब वालों भगवंत सिंह मान उस चैनल नू कबूल करनगे जां फिर ये जो ड्रामा कांग्रेस ही कह रहे भी ड्रामे करते हैं वो ड्रामे चलते रहेंगे। मान साहब जी जड़े अपने सवाल उठाने वाले ने खहरा साहब जी ये एक बड़ी चर्चा शख्सियत ने इन्हों के अंदर किसी हद तक दर्द भी हो सकता कि जे मैं आम आदमी पार्टी च रहा तो अज शायद मुख्यमंत्री पंजाब हुंदा ये भगवंत सिंह मान दिल्ली की सियासत करते इस करके सुखपाल सिंह खहरा ये समय के समय सिर जे कि जी पार्टी कदे रहे ने सवालों के घेरे च लिया रेंगे आ सवाल तो अच्छा उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण है भावें ट्वीट ही किया जी जितों के वासी ने कपूरथले के उस भी लवली यूनिवर्सिटी के जगह का दसा जा रहा आ रही आ उत्थे ते ना कोई मोर्चा नहीं लाया एक विखावे की राजनीति ली एक रसम ली एक ट्वीट करता सवाल पुट करते आ मेरी कुलदीप सिंह धालीवाल जिहड़े के पंचायत मंत्री पंजाब ने उन्हां नाल भी मैं जिक्र किया मैं कहा जी ये जरा खहरा साहब का जरा सवाल आ बड़ा टेढ़ा आ कहिंदे सिर जो खहरा साहब आ सानूं कोई चुनौती नहीं उन्हां नालों क्योंकि ये ऑलरेडी ये मैं पहलो ही मुद्दा उठाया आ जी 3 जून नूं बकायदा मीटिंग चंडीगढ़ च करके अधिकारियों नूं मैं दिशा निर्देश दिते हुए आ जो मेरे ये ध्यान च आया मुद्दा कि उत्थे जाके सारी पड़ताल करो तो जो सच का सच तो झूठ का नतारा करो तो लोगों सामने आया शीशा पेश हो क्योंकि यदि अगवाई जी पंचायती जमीन तो जी कब्जे छुटाने की अगवाई के अजक जी भूमिका आ मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की भी आ जी वो भी अगवाई कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो भी पंजाब आते भी धालीवाल साहब की सिफत भी करते हैं तो पंचायत जी पंचायती जमीन छुटाने की 9000 एकड़ के करीब जी छुटाई जा चुकिया ने उसकी चर्चा भी करते हैं। हुण जिथों तक सुखपाल सिंह खहरा का सवाल आ जी लवली यूनिवर्सिटी जी चंडीगढ़ सॉरी अपनी जलंधर जी जलंधर उहदे हेठां उह जमीन इन्हां वल्लों दसी जा रही आ पर जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे ओनर आ मित्तल फैमिली आ जी उहनां वल्लों एक प्रगटावा आ रहा चलो एक उन्हां दी एक हो सकदा कि गुंजल चो निकल दा रस्ता होवे जां सत्ता दे विच ने क्योंकि सत्ताधारी जदों हो जाण ते फिर वह ढंग तरीके वरतदे आ अपने बचा लई वह कहिंदे आ कि जिहड़ी जमीन आ जिहदा चर्चा किया जा रहा वह हैगी आ गुरद्वारा साहब दे विच उहदे कब्जे च हेठां हरदासपुरा पिंड आ कपूरथले जिले के लवली यूनिवर्सिटी के नाल लगता वो इतने गुरद्वारा बनया तो गुरद्वारे हेठा आ इस करके हो सकता मित्तल परिवार का क्लैरिफिकेशन है उतों के जो वाइस चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के उन्हें बकायदा यदा पक्ष दसिया कि हो सकता है कोई कलैरिकल गलती हुई हो मान साहब कलैरिकल हुई या नहीं हुई वो अजक जिमें सत्ताधारी ने तत्थों की तब्दीली करवा सकते हैं पर यह बड़ा औखा है हुण क्योंकि भगवंत सिंह मान यदी अगवाई कर रहे हैं जी जिहड़ा सुखपाल सिंह खहरा ने उन्होंने एक नाग वल पाया कुलदीप सिंह धालीवाल भी घेरन की कोशिश की जी
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਚ ਚਰਚਾ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ, DDPO ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰੋ, ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DDPO ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, DDPO ਅਦਾਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ, VK ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ VK ਜੰਜੂਆ ਘੱਟ ਕਹੋ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 2009 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜ ਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਰਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਵੀਰਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਦੋਂ ਵੀਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2009 ਦੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ IPS IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ IFS ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਫਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ 50 ਕੇਡਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਖ਼ਤ ਲੈ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ PTA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਂਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दूसरे पास जेकर भगवंत मान की सरकार की गल करिए हर एक मामले में समा मंगते हुए नजर आ रहे हैं, जिवें तुसीं इह वी कहि रहे भी 2 हफ्ते का समा मंगया गया तो भावें कोर्ट ने समा दिता है, तो दूसरे पास बेअदबी मामले के 15 दिन का समा मंगते हुए नजर आ रहे हैं। सो कह सकते हैं कि लोगों दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन दे लई भगवंत मान की सरकार नूं सख्त मेहनत करनी पऊ, भावें कि कोशिश दिन रात जारी है लेकिन उम्मीदा ही कुछ ज़्यादा ने भगवंत मान की सरकार तो लोगों नूं। सो गलबात करने लिए सर तुम सा जुड़े उस तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, मन सब तुहाडा भी धन्यवाद जी। सो ये सन साडे सीनियर पत्रकार एस परशोत्तम जिन्हां दे वल्लों अज दीआं खबरां दे उपर विस्थार दे नाल चर्चा की गई है। तुहानूं ये चर्चा किवें लगी सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अगले प्रोग्राम विच फिर तो साडी होएगी मुलाकात, उद तक दिओ इजाजत, धन्यवाद।